कि बेवकूफ बना दिया, थोड़ी शर्म करो, ये वो 2 स्टार दे रहे हैं, 2.5 स्टार दे रहे हैं। अबे सालो, औकात है तुम्हारी, मतलब औकात है, तुम लोग ना बॉलीवुड की चाटने वाले ही बन के रह जाओगे। हर पूजा करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता और हर दारू पीने वाला इंसान बुरा नहीं होता। हेलो गाइस, हेलो, नमस्कार, चैनल स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आज मतलब दिन देखो, मैंने सोचा था कि मेरे इंडिया में फिल्म रिलीज नहीं होगी, विजय द मास्टर, यानी मास्टर फिल्म का हिंदी डबिंग। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया मैंने और सिनेमा हॉल ओपन हो गया आज से। जैसे गया तो बिल्कुल खाली था सिनेमा हॉल, कैंपस बिल्कुल खाली था। और जब अंदर गया मैं तो हार्डली 20 से 25 लोग थे पूरे सिनेमा हॉल में, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, मतलब एक सीट गैप करके लोग बिठाए जा रहे थे। तो फिल्म देखी, 3 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे लगभग 55-56 मिनट की फिल्म है ये। तो फिल्म का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है, लेकिन फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा खिंचा हुआ है, लेकिन सेकेंड हाफ उस चीज को कवर कर देता है। इंटरवॉल बहुत ही कमाल का है और काफी अच्छा इंटरवॉल। तो आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिल्म मास्टर, हिंदी में विजय द मास्टर। फिल्म को डायरेक्ट किया है लोकेश कंगन राज सर ने, और फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर है अनिरुद्ध रविचंद्रन का। मतलब वो बंदा जो है ना भाई साहब, वो बीजीएम का किंग अगर मैं बोलू ना तो वो है, मतलब कमाल का बीजीएम है। सबसे बेहतरीन बीजीएम कहाँ पे आता है, जहाँ पे जेल का एक फाइट सीन है, वहां पे जो ब्रेक ले लेके और वहां पे जो बैकग्राउंड स्कोर है ना, मतलब सुपर फैंटास्टिक, मतलब मजा ही आ जाता है। तो फिल्म की कहानी पे आते हैं। तो फिल्म की कहानी होती है एक ऐसे इंसान की जिसके माँ बाप को मार दिया जाता है। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो फिल्म ओपन होता है एक जलते हुए घर से, जहाँ पे एक बच्चा होता है, उसको कुछ गुंडे मारते नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको सुधार गृह भेज दिया जाता है। वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसको खाने नहीं दिया जाता, सोने नहीं दिया जाता, और यही एक मासूम सा बच्चा धीरे धीरे किस तरीके से प्रैक्टिस करते करते उसके दिल में जो गुस्सा होता है, और इसमें आपको सुपरमैन पंच भी देखने को मिलेगा, बहुत कमाल का पंच है वो, आपको WWE की याद आ जाएगी, WWF की याद आ जाएगी, बहुत ही कमाल का सुपर पंच है वो। और वो पंच किसी और का नहीं बल्कि विजय सेतुपति सर का है। वो एक, अगर मैं बोलूं की पॉइंट, मतलब की पॉइंट है वो फिल्म का, एक मास्टर स्ट्रोक है फिल्म का। मतलब जब जब वो पंच उठता है ना, कुछ तहस नहस से करता है। तो बच्चा वहां से निकलता है, फिर क्राइम की दुनिया का वो बादशाह बन जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि विजय सेतुपति होते हैं। और उसके बाद थलापति विजय सर वो होते हैं कॉलेज के प्रोफेसर, एक कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की उसी में पढ़ाने लगते हैं। वो बिल्कुल किसी के सुनते नहीं, किसी से उनको कोई मतलब नहीं रहता है, स्टूडेंट के लिए फाइट करते हैं, स्टूडेंट के हक के लिए वो लड़ते हैं, और इस कारण से स्टूडेंट उनको पसंद करते हैं, कोई भी प्रोफेसर उनको पसंद नहीं करता है। एक इलेक्शन होता है, स्टूडेंट इलेक्शन होता है कॉलेज में, और वहाँ पे उनको ये काम दिया जाता है कि अगर तूने ये सही से करवा दिया तो तुम इस कॉलेज में रहोगे, अगर नहीं तो कॉलेज से बाहर चले जाओगे। यहीं पे कुछ उधेड़ बुन जाल बुन के उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है और उनको पहुंचा दिया जाता है बाल सुधार गृह में, बच्चों लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। अब वो बच्चे कौन है, क्यों उनको सुधार की जरूरत है, कि इनको भेजा जा रहा है, ये फिल्म का मेन एक प्लॉट है। तो वो वहां पे जाते हैं, वहां पे सारी चीजें उनको पता चलती है। उसके बाद किस तरीके से जो भवानी, जो विजय सेतुपति सर हैं, और JD यानी विजय सर, किस तरीके से इन दोनों की मुलाकात होती है, किस तरीके से ये एक दूसरे को मारना चाहते हैं, और फिल्म की एंडिंग बहुत ही सुपर है, फैंटास्टिक। जो हैंड टू हैंड फाइट है ना, वो बहुत कमाल का है। आपने टीजर ट्रेलर में भी एक सीन देखा होगा, वो मुक्के का, मतलब वो मुक्का जब लगा ना, हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा, भाई साहब क्या सीन है। और विजय सेतुपति सर तो भाई खा गए हैं। मतलब इस फिल्म से आपको ये बात अंदाजा लग जाएगा कि हर पूजा करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता और हर दारू पीने वाला इंसान बुरा नहीं होता, दोनों आपको ये फिल्म देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो वो पंच का जो सीन है वो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो फाइट होती रहती है, तो विजय सेतुपति सर जो है वो अपना पंच मारते हैं, उधर से विजय सर
वो क्या करते हैं, वो समझ चुके थे कि भाई इसके पंच में दम है, वो बताओ कि नहीं, चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इतना स्पॉइलर तो चलता है। तो वो अपने हाथ में जो करा पहनते हैं वो यहाँ पे ले आते हैं और बूम सीधा दोनों। और वहां पे ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं, जैसे तो पता है ऐसे पीछे जाते हैं और ऐसे घूम के बैक में, और उसके बाद रिवाइंड करके दिखाया जाता है कि क्या हुआ था वहां पे। तो स्लो मोशन में दिखाया जाता है कि कैसे करे से लगता है उनके हाथ पे और कैसे वो जाके, उन्होंने अपने कैरेक्टर को बिल्कुल लाउड नहीं रखा है। विजय सेतुपति सर का जो निगेटिव कैरेक्टर है बिल्कुल भी लाउड नहीं रखा है, चेहरे पे कहीं भी वो भयानक वाली आपको एक्सप्रेशन नहीं दिखेगी, बिल्कुल हंसने ये वो कुछ भी नहीं है, एकदम सटल रखते हैं, सिंपल रखते हैं, लेकिन क्या कमीनापन, क्या हरामीपन वो कैरेक्टर में वो मेंटेन करके रखते हैं ना एंड ऑफ फिल्म तक, वो बहुत ही कमाल का है। कॉमेडी सीन्स काफी है, मतलब कॉमेडी वही करते हैं, विजय सेतुपति सर के हाथों में ही सारा जिम्मा दिया गया निगेटिव का, कॉमेडी का, और क्या कमाल तरीके से उन्होंने काम किया। एक सीन होता है नहाने का उनका, तो नहाते रहते हैं और बाल ऐसे खींच खींच के ऐसे बना लेते हैं वो तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ कल से रिव्यू देख रहा हूँ, देखा नहीं मतलब मैं वीडियोस का नोटिफिकेशन आता है तो देखता हूँ कि बेवकूफ बना दिया, थोड़ी शर्म करो, ये वो 2 स्टार दे रहे हैं, 2.5 स्टार दे रहे हैं, अबे सालो औकात है तुम्हारी, मतलब औकात है, तुम लोग ना बॉलीवुड की चाटने वाले ही बन के रह जाओगे और यही करते रह जाओगे जिंदगी भर। मतलब पता नहीं तुमने वीडियो में क्या बोला है नहीं बोला है, लेकिन जो तुम्हारा थंबनेल है ना बहुत ही गंदा घटिया है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि या तो तुमने फिल्म देखी नहीं है, या फिल्म के लिए जो समझ होती है ना वो तुम्हारी खत्म हो चुकी है बॉलीवुड की घटिया घटिया फिल्में देखते देखते। बात करो स्टार की, तो मैं दूंगा इस फिल्म को 4 स्टार। जी हाँ, मैं इसको और दे सकता था, लेकिन मैं एक चीज पे यहाँ पे 1/2 स्टार काट रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, क्योंकि सॉन्ग, पता है आपको जब जिस लैंग्वेज में फिल्म बनती है ना, अगर उससे डब किया जाता है दूसरे लैंग्वेज में, तो अगर प्रॉपर सॉन्ग की डबिंग नहीं की जाए तो सॉन्ग अच्छा नहीं होता। अभी तक 2 ही फिल्में ऐसी हुई है जिनका सॉन्ग जैसा उनके ओरिजिनल लैंग्वेज में था वैसा हिंदी में भी था, एक बाहुबली पार्ट 1 2 और KGF चैप्टर 1। तो सॉन्ग यहाँ पे आपको बोर करेगा, लगभग 3-4 गाने हैं जो आपको बिल्कुल बोर करेंगे, फर्स्ट सॉन्ग को छोड़ के सारे सॉन्ग आपको हिंदी में बोर ही लगेंगे, आपको लगेगा कि यार आप इधर उधर झांकने लगोगे। मैं भी मोबाइल चलाने लगा था उस गाने में, तो मेरे साथ भी ये हुआ था। तो अगर वो सॉन्ग नहीं रहता फिल्म का ड्यूरेशन लगभग 15 से 20 मिनट और कम होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इतना अगर हुआ है तो झेल लेंगे, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो, कुछ आप अलग देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप जाओ, हैंड टू हैंड जो फाइट है इंटरवल का बहुत कमाल है, पैसा वसूल है, और बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है, फाइट कमाल का है, एक्टिंग तो सुपर भी है। अगर मैं 10 में से 8 स्टार विजय सर को दूंगा, थलापति विजय सर को दूंगा, तो मैं 9 स्टार दूंगा विजय सेतुपति सर को, भाई मान गया उनको, बंदा कमाल का है वो। तो यही था मेरा रिव्यू, आई नो वीडियो लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, वर्थ इट था। अगर आप लोग भी देखना चाहते हो तो बिल्कुल मिस मत करो इस फिल्म को, और बस यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, जय हिंद।